अबे इसके पास कुछ अबे कुछ है, भाग गया लेके, लेके भाग गया लेके। पूरा का पूरा हिरन का झुंड है, तो पूरा का पूरा हिरन का झुंड। फिर से बच्चे भी हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं। आ तो अभी हम इस पे रहे हैं और अभी देखते हैं जरा जाएंगे किस पे, देखते रहना ये देखो। तो चलते चलते हमारी गाड़ी भी रेडी हो चुकी है और सीट बेल्ट पहन के बैठ चुके हैं हमारे शाहनवाज भाई। ये अंदर से ही हमारा हाथ हिला के मनोरंजन करते हुए, क्या हाल है भैया जी? हाय एवरीवन, तैयार हो भैया जी फिर से एडवेंचर के लिए? लेट्स राइड। चलो भैया भी तैयार हैं और हम सब भी तैयार हैं, पूरे के पूरे निकलते हैं जरा आगे, क्योंकि आज भी हम हमेशा की तरह लेट ही हैं। लेट हमारा जाने का मकसद इसलिए नहीं होता कि वहाँ पे लेट ही जाया जाए, थोड़ा काम रहता है तो इस चक्कर में सब जने लेट हो जाते थोड़े थोड़े से। तो चलो निकलते हैं जरा जल्दी से, गाड़ी में आ गए हैं हम। अबरार भाई बैठे हैं, बैठेंगे जरा दोबारा से, अभी इसे खोल के बंद करूं दोबारा। हाँ तैयार हो फिर कासिम भाई? यार बाबा इसको पेश करते हैं थोड़े से गाने के साथ कासिम भाई का डांस। ये शर्मा गया भाई हमारा। ओपन द सनरूफ। तुम्हारी तो सुनी नहीं। एलेक्सा ओपन सनरूफ। ओके खुल गई भाई, सनरूफ खुल गई हमारी एलेक्सा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर होंगे। हम अपने हर बार की तरह फिर से आज निकल चुके हैं अपनी जंगल सफारी की तरफ और आज हमारे साथ हमारे फिर वही टीम, हमारे कासिम भाई और अबरार भाई, जिनका चेहरा लोग बहुत जी जान तरीके से देखना चाह रहे हैं, जो बहुत टाइम से नहीं दिख रहा है। और इनके स्माइल सब पे भारी। और हमारे नवाब भाई और हमारे शाहनवाज भाई हमारे साथ जा रहे हैं आज, और हम निकल चुके हैं अभी अपने काशीपुर शहर से, पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, बस मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे अपने कॉर्बेट एरिया में पहुंचने के लिए। फाइनल लोग पहुंच चुके हैं हम अपने कॉर्बेट की एंट्री की तरफ, और पहला गेट जो हमारा आम डंडा है, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको देखेगा कॉर्बेट का पहला गेट जो कि है आम डंडा वाला गेट, और एंट्री कर चुके हैं हम फाइनली कॉर्बेट के अंदर। ये रहा, ये पहला गेट है यहाँ का अपना, और यहाँ से एंट्री कर चुके हैं अभी हम कॉर्बेट के अंदर की, और अब यहाँ से हम पहुँचेंगे डायरेक्ट अपनी चाय वाली दुकान की तरफ, वहाँ पे लेंगे थोड़ी सी चाय की चुस्की और उसके बाद देखेंगे जरा आगे अपना। थोड़ा सा उम्मीद है कि शायद आज, लेकिन आप इसको देखना ना भूलें। हाँ इसको जरूर देखें, ये सावधान सावधान साफ लिखा है कि बाघ प्रभावित क्षेत्र और यहाँ पर एंट्री नाइट में बाइक सवार नहीं लें। सही बात है ना भैया? बिल्कुल, बाइक से तो आना ही नहीं। रोहित मुझे लगता है कि आप अभी अपने व्यूअर्स को हिरन तो नहीं दिखा पा रहे हो, तो कुछ चर्चा हम अपनी देवभूमि पर ही कर लेते हैं। बिल्कुल भैया जी, व्यूअर्स को कुछ बता देते हैं। जी भैया, जैसे कि आपने देखा कि अभी लास्ट 2 इयर्स से कोरोना ने कितनी हाहाकार मचाई है जी, तो भगवान ने जो हमें नेचुरल गिफ्ट दिया है ना जी, ट्रीज के पेड़ों के रूप में जी, जो ऑक्सीजन हम ये सोचते हैं कि बिल्कुल फ्री की है, तो भगवान ने हमें दिखाया कि हमें कितनी कॉस्ट देने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। तो मेरा सभी व्यूअर से कहना है कि आप भगवान की, ईश्वर की जो दी हुई चीजें हैं, जैसे पानी है जी, जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन है, इसको ईश्वर का एक गिफ्ट माने और पौधा जरूर लगाएं लाइफ में, एक या दो अपनी जिंदगी में पौधा लगाएं लाइफ में। तो इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं हम, अगर हम लोग महीने में एक पेड़ भी लगाएंगे ना तो 140 करोड़ पेड़ लगेंगे। सही बात है, हर महीने एक नया जंगल तैयार हो जाएगा और जिससे ऑक्सीजन मिलेगी सबको। सो गाइस, फन के साथ साथ कुछ अपने लिए भी किया जाए और एक पेड़ जरूर लगाया जाए। बिल्कुल, मैं तो ये सोच रहा हूं, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है जी। और बाकी आपको कुछ नया और अच्छा दिखाने के लिए हम अपनी गाड़ी के टायर और डीजल की टंकी खाली करते रहते हैं रोज। सो व्यूज बढ़ाएं आप लोग और हमारी हौसला अफजाई करें जी, जिससे और आगे ऐसी सब चीजें बनाएं हम, और हिडन जो चीजें हैं जी जंगल में वो आपको दिखा पाएंगे और आपको डेफिनेटली हम जंगल लवर बना देंगे, ये प्रॉमिस है हमारा। हाँ सुनने में आ रहा था कि यार आपने आज इस तरफ जो है वो थोड़ा सा ब्लैक पैंथर का मतलब आवागमन देखा गया, थोड़ी सी उसकी हलचल महसूस हुई है इस तरफ, ये आपको आपको भी आया था क्या? हाँ एक्चुअली क्या है ना रोहित जी, कि जंगल में इतनी मिस्टीरियस चीजें हैं जी, कि आप जितना इसमें जाओगे ना अंदर, एंट्री करोगे, इससे लगाव करोगे कि इसको देखोगे, तो ये उतना इंटरेस्टिंग बनता है और इसमें नई से नई चीजें आपको दिखेंगी। इसमें कोई अचंभा नहीं है कि आपको ब्लैक पैंथर दिख जाए। सही बात है,
और सुने पहली बार दिखा आज तक यहाँ पे शायद ब्लैक पैंथर नहीं है, पहली बार मेरे ख्याल से पहली बार ही दिखा गया यहाँ पे। मुझे बहुत विषय है यार उसको देखने का, मेरा खुद बहुत मन है यार भैया। सही बात है, यहाँ पे कितनी स्पीशीज है अभी तो हमें यही नहीं पता यहाँ पे। बिल्कुल हम देखते पहुंच चुके हैं जरा आज हम, और वही अपना पुराना रूटीन, अपना आग जल्दी और अपनी चाय साथ में आ गई है, और भैया सब जने बैठे हैं भी अगर अपने निकलेंगे यहाँ से अभी जरा एक बार चाय पीने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बाबा चलो निकलते हैं, जरा चाय वाय पी ली है। अब जरा हमारी सीट जरा थोड़ी सी चेंज हो गई, हम बैठ गए आगे, नवाब भाई बैठ गए पीछे, और भैया जी आगे वापस अपनी कर रहे हैं ड्राइव आज जरा उम्मीद है। मैं ये अपने व्लॉग में हम 10 बार पहले भी कह चुके हैं और आज फिर से ये बात कह रहा हूँ कि मतलब हमने जब से यहाँ पे आना स्टार्ट करा ना, हमने ये चीज बहुत देखी यार यहाँ पे कि जैसे लोग आते हैं बाहर से तो यहाँ पे बियर के कैन बहुत पड़े हुए मिलते हैं यार, ये काम यहाँ पे आके मत करा करें बस। हाँ प्लीज प्लीज, ये रिक्वेस्ट है जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं आप आइए, आप उत्तराखंड में गेस्ट बन के आ रहे हैं तो इसे भी अपना घर समझिए। आप एक बात बताइए, अपने घर में गंदगी कौन करता है? बियर पर बैन नहीं है, आप होटल में रिजोर्ट में अंदर आप बियर चिल कर सकते हो अपने आप को, लेकिन बाहर जंगल में जाकर के प्लीज इसे गंदा ना कीजिए आप लोग। बिल्कुल हिरन क्यों नहीं है भाई आज? भैया कुछ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आज कुछ भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हिरन पंचायत में, तभी तो कह रहा हूँ हिरनों की। मतलब है कुछ अभी ऐसा है ना, कुछ नहीं है यहाँ पे किसी दिन भैया मिलेगा। यहाँ पे एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है जब यहाँ पे भैया हमें, जब यहाँ पे हमें बाघ दिख गया। हिरन की मूवमेंट बहुत कम है आज, बहुत ज्यादा कम है भैया हिरन की मूवमेंट आज। आज कुछ अजीब सा लग रहा है क्योंकि आज वो नहीं दिख रहे भैया हिरन। आज कुछ भी नहीं दिख रहा है यार यहाँ पे, हिरन विरन कुछ भी नहीं दिख रहा है आज हमें। बागुदेव दिखोगे तो जिस दिन आप दिखोगे तो ऐसे भी दिखोगे। सही बात है, बात हम कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेंगे आज। ये देखो यहाँ पे भी साफ लिखा है बाघ प्रभावित क्षेत्र, साफ लिखा है यहाँ पे। रोहित एक्चुअली क्या है कि ये लोकेशन जो है ना, ये जो आपकी इस तरह से लाइनिंग होती है जी, नहर होती है छोटी छोटी पानी की जी, तो इसमें बाघ और लेपर्ड ना बहुत आसानी से अपना एक कॉरिडोर बना लेते हैं जी। फाइनली भाई यहाँ पे, हाँ फाइनली अपने को हिरन दिख गए हैं। और बहुत देर बाद भैया, हम बहुत देर से हम यही कह रहे हैं कि आज हिरन नहीं दिख रहे, हम हिरन नहीं दिख रहे, आज हिरन दिख ही गए फिर से। हम हिरन तो बहुत देर बाद, हिरन तो हम दिखाएंगे दिखाएंगे, बहुत देर बाद दिखे लेकिन भैया आज हमें। और लेकिन आज जिस तरीके का सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा ठीक उस दिन था जब हमें बाघ दोनों दिन दिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक दोनों दिन वैसे सन्नाटा था। साइड से आज मेरे ख्याल से भैया ये साफ सफाई भी कर रखी है साफ करना था बागू। भैया वैसे लग रहा है कि आज कुछ शांति कुछ अलग तरीके की है, बहुत कम है आज, बहुत ही कम है क्योंकि इतनी देर में तो भैया हमें तकरीबन 6-7 बार हिरन दिख ही जाते हैं यार। 6-7 बार का पूरी बेल्ट में यहाँ से तो हिरन ही हिरन, सब हिरन की बेल्ट है, लेकिन आज एक भी हिरन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। हिरन आपको दिखेंगे वो जो ऊपर वाला टर्न है ना इसका, हाँ अपने शायद सेकंड टर्न के बाद शायद दिख जाएगा अपने को। अरे हाँ अबरार भाई गाड़ी रोक रखी है उन्होंने यार, देख रहे हो ये सब चीजें हरकतें भैया, देख रहे हो ये हरकतें होती हैं यहाँ पर आने के बाद। ये चीज ठीक नहीं है बिल्कुल भी, ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई, गलत है ये चीज, गलत है। हिरन देखने के लिए यार बीच में कौन रोकता है यहाँ पे गाड़ी, ये तो बताओ पहले मुझे। नाटू के खानदान को बड़े वाले यार भाई, हिरन 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 देख रहा, तो रोड पे आ गया आज ये है ना भैया, ये रहे ये रहे ये पूरा का ग्रुप है, पूरा का ग्रुप है पूरा का पूरा। अरे क्या प्यारे हैं भाई, छोटे बच्चे भी होंगे इसमें, क्या प्यारे हैं हिरन, कुछ वाली फैमिली के भी। भैया क्या करते हैं आप? मैं बोल रहा था इन हिरन को देख कर ना ये फील होता कि यार एनिमल्स कितने मासूम होते हैं। हाँ बिल्कुल मजा आता है भैया, लेकिन सही में इन्हें देख के ना बिल्कुल, जो एक नक्काशी होती है ना ऐसे डॉट 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 डॉट, हाँ
उससे पता चलता है कि खूबसूरती है कि ईश्वर ने कितनी प्यारी दुनिया बनाई है। अरे आज हमने एक वो देखा था, एक का डॉग और उसने ब्लैक कलर का उसे ऐसे कलर कर रहा था, बाघ बना रहा था। रोहित यहाँ पर साफ है, यहाँ पे भी हिरन मिला, वो हिरन गया, यहाँ पे एक बाघ मिला है भाई जी। ये बिल्कुल ऐसे लगता है भैया जी, भैया ऐसा लग रहा था भैया जैसे कुछ हो अभी। ये पेड़ का तना, बड़ा पागल पेड़ का तना आ रही है। ये इनकी लोकेशन है, ये वाले जो है ना, ये किन की यहाँ खड़ा था अभी, ये काला वाला जो नष्ट हो गया वहाँ। लेपर्ड की क्वालिटी ये है कि जितना उसका वेट होता है ना, उससे डबल वेट के जानवर को वो ऊपर पेड़ पे खींच लेता है। अच्छा जी, कुछ छुपा हुआ है, ऐसा लग रहा है भैया कुछ धोखा देते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छुपा हुआ है यहाँ पे। पतझड़ चल रही है, सूखे हुए पत्ते हैं सब। ये कौन है आ गए? दलाल आ गए, शेर के दलाल। अबे इसके पास कुछ अबे कुछ है, भाग गया लेके लेके भाग गया लेके। अबे सांप आप ही होगा, जो कुछ होगा चुहा हुआ भाग गया। हमारे आगे जोड़ीदार कहां गया? अबे इसके पास है क्या खाने का? टुकड़ा देखो इसके मुंह में है खाने का। के ले गए ये चिड़िया बिड़िया पकड़ के ले गए, बताओ ये लेके गया है वो जो चूहा होता है। ये रहा हिरन, हिरन भी यहां पे उल्टे हाथ पे ही है, चूहा लेके गया है वो। इसका जोड़ीदार दलाल जो वहां बैठा हुआ, दोनों साथ में रहते हैं। ये रहे हिरन भाई, हिरन अब यहाँ पे दिखने चालू हो गए हमें। ये लोकेशन आ गई है, सब हिरनों की आ गई अभी ये लोकेशन। ऑटोमेटिक लाइट का यार, थोड़ी सी रोको तो नीचे वो बुझ जा, लाइट खुद ही झटका आ गया तो नीचे वो बुझ जा। यहाँ पे भी साफ लिखा है कॉरिडोर मार्ग में वाहन। आज तो शिकार मिली, नहीं तो ये ऐसे भागते हुए मिलते हैं फिर बस ये बाघ का शिकार खा जाते हैं। बाघ का शिकार को खाएंगे इनके पास है। अरे जब वो खा लेता है जो बाकी बचता है फिर तो वो यही खाते हैं। हिरन फिर से दिख गए आज, बहुत हिरन हो रहे हैं। कौन सा है ये खबरी है और ये लोकेशन बता देते हैं बस। हिरनों का पूरा झुंड हो रहा है, चितले हैं सबके सब। यार आज नया वाला नहीं मिला कोई, सबके सब हिरन के चितले हैं सभी। देखो सामने है भाई कुछ, सोनू भाई सामने जी हिरन ही होंगे, हिरन ही होंगे पक्की बात है। और वो भी बाहर निकल गया पागल आदमी बिल्कुल ही। अबे यार देखना यहीं सोनू भाई यहीं ना, था इधर ही था वो, कुछ अंदर गया फिर वो, हिरन तो नहीं था। यार ये पता नहीं ये लोग क्यों नहीं सुधर रहे भैया। यूपी 16 M 40 55 है भैया, ये ऐसे लोग क्यों नहीं सुधर रहे? अगर लोग सुधरने वाले होते ना रोहित भाई हम लोगों में। सही बात है भैया, बड़ी पागल लोग है। सनरूफ क्यों खोल के चल रहे हो भाई? सनरूफ का तो साफ ही मना है यहाँ पे, तेंदुआ अगर पकड़ना होगा तो वो ऊपर से पकड़ लेगा इन्हें। बिल्कुल बहुत सारी पे भी साफ लिखा है कि बाघ प्रभावित क्षेत्र वाहन से ना उतरें। कल जो भैया वो लोग हुए थे जब हम वो देखने आए थे यहाँ पे कल बाघ, तो यहीं पे तो रुके हुए थे वो, और यहीं पर जबकि सारी वार्निंग साफ के साफ लिखी है जी। कहाँ पे तो त्रिपाल निकले यार, पता है यहाँ पे हर छोटी सी चीज में ऐसा लगता है कि किसी न किसी चीज की आंखें हों। रोड क्रॉस कर रहे हैं भाई साहब आज, भाई साहब आराम से आराम से सर। मजा आते हैं देखने में लेकिन भैया सही में बिल्कुल बहुत आराम से चलानी पड़ेगी। पूरा का पूरा हिरन का झुंड भैया, पूरा का पूरा हिरन का झुंड है तो, पूरा का पूरा हिरन का झुंड। फिर से बच्चे भी हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यूटी पाई भी है, क्यूटी पाई भी है, लीची के बगीचे में बच्चा क्रॉस कर रहा है प्यारा। आज फिर से बहुत बार दिख गया, आज तो पता नहीं क्या हो रहा है यार, रोड पे दिख रहे हैं सारे के सारे। थोड़ा हल्का कर लो, वो एक खड़ा है लग रहा है और पार करेंगे है ना। बहुत सारे हिरन होते हैं यार, ये तो नदी में शायद नहीं है कोई और भी है ना।
इन्होंने यहाँ से क्रॉस किया है ना अभी। सुनो भाई, सफारी करने के बाद एक जगह और ढूंढी है, पूरा झुंड है। आज दिख गए, वो सारे उस टाइम पे नहीं दिख रहे थे। मैं कुछ दिखाई दिया, नहीं है ये था, क्या था ये लकड़ी दिख रही है, ये दिख रहा शेप यहाँ पे यार, यहाँ पे ऐसे ही भुलेगा होता है, ये दिख रहा है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लगा था जैसे ऊपर बैठा हो कोई। हाँ यही जानवर होते हैं। मिल गया हमें, फिर से मिल गया आज अपना नाटू उस्ताद। वो रहे हमारे नाटू उस्ताद के भाई, वो है आगे है, आगे है नहीं है, वो नहीं है भैया, आज आज नहीं मिला। आगे देखो अगर रोड के राइट राइट साइड में दिखेगा वो, वो मिलता है यार, वो मुझे बहुत ही बंदा पसंद है वो। आज हमें मन नाटू उस्ताद नहीं मिला यार अपना। अब पूरी फैमिली है वो रोहित, वो मिल सकता है, पता हमें कहाँ मिलेगा।